नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूमोलॉजी बाय नेहा चैनल में। यदि आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। और अगर आपको मेरी बताई हुई जानकारी पसंद आती है, ये वीडियो पसंद आती है, तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मनीष नाम के लड़कों के बारे में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। मनीष नाम का मतलब होता है मन के प्रभु। इनका स्वभाव जॉयफुल होता है, खुश मिजाज होता है। इस अर्थ का प्रभाव मनीष नाम के व्यक्ति के स्वभाव में भी दिखने लगता है। मनीष नाम रखने से आपका बच्चा भी वो गुण ले लेता है जो इसके अर्थ में समाहित होता है। बात करते हैं राशि की। मनीष नाम की राशि सिंह होती है और इनके ग्रह स्वामी सूर्य होते हैं। सिंह राशि के आराध्य देव भगवान सूर्य होते हैं। इस राशि के मनीष नाम के लड़के सुस्त होते हैं और हृदय से संबंधित समस्याओं से परेशान हो सकते हैं। मनीष नाम के लड़कों का पाचन तंत्र और रीढ़ की हड्डी ठीक प्रकार से काम नहीं कर पाते हैं। मनीष नाम के लड़के बार बार बेहोश होने और मधुमेह जैसी समस्याओं से पीड़ित हो सकते हैं। अब बात करते हैं इनके शुभ अंक की। मनीष नाम का शुभ अंक एक होता है और सूर्य का प्रभाव होने के कारण मनीष नाम के व्यक्ति दूसरों के निर्देश मानने की बजाय अपने मन की करते हैं। एक अंक वाले लोग मुश्किल स्थिति में भी सच का साथ नहीं छोड़ते हैं। बात करते हैं इनके व्यक्तित्व के बारे में। मनीष नाम के व्यक्ति सिंह राशि के होते हैं और इस राशि के व्यक्ति नम्र, महत्वाकांक्षी, स्वाभिमानी, आत्मविश्वासी और सकारात्मक होते हैं। इस नाम के लोग थोड़े गुस्सैल स्वभाव के होते हैं, हालांकि ये जल्दी शांत भी हो जाते हैं। सिंह राशि के मनीष नाम के लड़के किसी के सामने झुकते नहीं हैं। मनीष नाम के लड़के अपनी ईमानदारी और सभ्यता के लिए हर जगह पसंद किए जाते हैं। किसी भी परिस्थिति में ये लोग अपने फैसले नहीं बदलते हैं। इन्हें अपने परिवार व समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होती है। ये लोग किसी बात को पूरी तरह से समझने व परखने के बाद ही अपना निर्णय सुनाते हैं। ये लोग अपने जीवन में सुख सुविधाओं के लिए बहुत मेहनत करते हैं और उन्हें ये मिल भी जाती है। प्रेम संबंधों में मनीष नाम के लोग विश्वसनीय और ईमानदार साबित होते हैं। मनीष नाम के लोग असंभव को संभव कर दिखाते हैं। मनीष नाम के व्यक्ति मुश्किल समय में भी अपनी निष्ठा और आत्मविश्वास नहीं खोते हैं। तो दोस्तों, आपको मेरी बताई हुई जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरे इस चैनल पर आने वाली नई वीडियोज़ की जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।